हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कैफे एक्सप्लोरर। आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये वीडियो बहुत लेट अपलोड की है कुछ टेक्निकल इशू के कारण। सो ये वीडियो मैंने गणेश जी के उत्सव में मैंने बनाई थी और ये है गुजिया मोदक जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे बनता है। मैं इसकी रेसिपी मम्मी आगे वीडियो पे आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की और देखते हैं रेसिपी कैसे बनी है। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी आटा ले लिया है और साथ में हाफ कटोरी मैंने चीनी ली है। इसमें मैं 4 या 5 चम्मच मैंने घी इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का पानी भी डाल सकते हो। तो मैंने आगे इसमें हल्का हल्का पानी डाला है। पहले इसी से ही पूरे आटे को मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल के इसको मैंने डो बना दी है। डो ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नरम भी नहीं। सो मैंने इसको एक मोदक के शेप में मैंने इसको बनाया है। तो ये एक्चुअली मेरी दादी से मैंने सीखा है और मेरे मॉम ने बताया है। तो यहाँ पे मैंने घी गरम कर दिया है। घी को ज़्यादा गरम नहीं करना है और इसको हल्के सिम पे ऐसे इसको हल्का सा फ्राई करना है। आपको ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको नहीं फ्राई करना है, उसको आपको हल्के फ्लेम में फ्राई करना है। तो देखिए ये गुजिया रेडी हो चुका है। ये ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। ये थोड़ा सा क्रंची क्रिस्पी होगा थोड़ा टेस्ट में और थोड़ा सा मीठा। सो मेरे को रेसिपी बताइए कैसा लगा है आपको, कमेंट करके प्लीज़ बताइए।